दोस्तों आज की कहानी है, दीदी मेरी बहू घर की मालकिन है, नौकरानी नहीं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नई वीडियो। तेरा घर तेरा शहर तो बहुत दूर है सोटी, आते आते ही 7 घंटे लग गए। अब क्या करूं, मन कर रहा था तुझसे मिलने का, इसी बहाने तेरे साथ भी रह लूंगी और तेरी नई बहू के साथ भी रहना है। बहू के मायके में शादी है, सब गए हैं, मैं अकेली क्या करती, वहीं से वो आगे घूमने भी जाएंगे। आशा जी ट्रेन से उतरकर अपनी छोटी बहन को बताए जा रही थी। अच्छा ये बता, गौरव लेने आया है या नहीं? जीजी गौरव का तो ऑफिस था। नंदिता आपकी बहू कार लेकर आई है, साधना जी ने कहा। अपना चश्मा ठीक करते हुए आशा ने देखा कि सामने नंदिता खड़ी है। उसने प्रणाम मौसी कह कर पाव सू लिए, सदा सुखी रहो। अच्छा ये बताओ, मुझे घर तक पहुंचा तो दोगी कार? अच्छे से चलाना तो आता है, आशा ने नंदिता को कहा। तो वो हंस पड़ी, जी मौसी जी आप चलिए। घर पहुँच कर सब बैठ गए। नंदिता कपड़े बदलने अपने कमरे में चली गई। साधना की बेटी युविका पानी लेकर आई और साय सड़ा दी। आशा जी ये देखकर भुसकी रह गई। अरे युविका घर में बहू है और बेटी साई बना रही है, ये तो अच्छी बात नहीं है, ऐसा तो मैंने कहीं ना देखा है। तू आकर बैठ, अपनी भाभी को बुला लो, साय ले आएगी, बहुए ही काम करती अच्छी लगती हैं, बेटियां तो राज करती हैं। नंदिता अपने कमरे से आई तो देखा साय नहीं थी। तभी आशा जी बोली, बहू जा रसोई से साय लेकर आ जा। नंदिता साय और साथ में नाश्ता लेकर आ गई। आशा जी की बातों से साफ झलक रहा था कि उन्हें बहू का वहां इस तरह से तसल्ली से बैठकर साय पीना अच्छा नहीं लग रहा था। बहू को कहां समय मिलता है कि वो गर्म साय का कप तो पी ले। घंटी बजती है, काम वाली बाई आती है, रसोई में बर्तन मांझकर चली जाती है। आशा जी को अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने भी कह दिया, साधना अब तो घर में बहू आ गई है, अब तो काम वाली हटा दे। वैसे भी तेरी बहू कौन सी नौकरी करती है, घर में 5 लोग ही तो हैं, इतने बर्तन तो बहू ही मांझ देगी साधना।
जी अपनी जीजी का व्यवहार जानती थी। वो उनकी दक्यानुसी सोच से भी वाकिफ थी। साधना जी कुछ नहीं बोली शाम को खाने की तैयारी में। साधना जी, युविका और नंदिता तीनों ही लग गए। आशा जी फिर बोली, छोटी अब तो बहू आ गई है, उसे काम करने दे, तुमने तो उसे सर ही सड़ा रखा है। बहुए ही सौके में काम करती अच्छी लगती हैं, तू खुद भी लगी है और बेटी को भी लगा रखा है। आजकल काम ही कितना होता है, फिर भी बहुओं से नहीं होता है। मेरे घर में जब बहू आई थी तो मैंने सारी काम वाली हटा दी। बहुओं को काम करने के लिए ही तो लाते हैं, काम करे और दो रोटी खाए। ये बातें सुनकर नंदिता सन्न रह गई। वो सुप साप काम कर रही थी। साधना जी से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो शांत भाव से बोली, जीजी बहू लाई हूँ, काम वाली बाई नहीं। दोनों में अंतर होता है। बेटे का सहरा तो होते ही देख लेते हैं, पर बहू का सहरा तो सालों बाद देखने को मिलता है। बहू तो आंगन की लक्ष्मी और सौकी की अन्नपूर्णा होती है। बहू का निरादर हमसे नहीं होता है। बहू भी इंसान होती है, किसी के घर की लाडली होती है, नाजों में पली होती है। उसे सिर्फ काम वाली समझना तो ठीक नहीं है। मेरे घर में नंदिता के आने के बाद कुछ खास बदलाव नहीं आया है। जो पहले अपना काम करते थे आज भी युविका के पापा, युविका, गौरव और मैं अपना काम वैसे ही करते हैं जैसे नंदिता के आने से पहले करते थे। नंदिता इस घर का हिस्सा बनने आई है, नौकरानी नहीं जो दिन भर सब का हुक्म बजाती रहेगी। मेरे घर में मेरी बहू का अपना वजूद है, मान सम्मान है। वो हमारे घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो हमारे घर की आन है। काम वाली बाई तो मेरे पहले से आ रही है। बहू के आते ही काम वाली हटा दूं, ये तो कोई बात नहीं हुई। जीजी, हम लोगों का जमाना अलग था, हमारी सास की सोच अलग थी। उस समय हमें भी अपने ससुराल वालों का व्यवहार बुरा लगता था। हर काम के लिए हमें ही बोला जाता था। हम सुबह से रात तक एक पाँव पर खड़े रहते थे, पर अब जमाना बदल गया है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। बहू घर की मालकिन है, नौकरानी, काम वाली बाई नहीं। हम बहू को इज्जत सम्मान देंगे, प्यार देंगे, तो वो ही हमें वापस मिलेगा। अपने घर की लक्ष्मी को लक्ष्मी ही समझिए, नौकरानी नहीं। वैसे भी नंदिता सौकी के साथ बाहर का सारा काम संभालती है। गौरव को तो समय मिलता नहीं है, युविका की पढ़ाई देखती है, रिश्तेदारों में आना जाना भी लगा रहता है, ड्राइविंग करके हमें ले जाती है।
युविका को स्कूल से लाना, ले जाना बैंक आदि के सैकड़ों काम नंदिता ही देखती है। बड़ी गुणी है मेरी नंदिता, हर काम अच्छे से करती है, सबका ध्यान रखती है। साधना जी के मुंह से ये सब सुनकर नंदिता के मन में उनके लिए और भी इज्जत बढ़ गई। आशा जी अब चुप रहने लगी थी। वो जितने दिन भी वहां रही, उन्होंने अपनी छोटी बहन के परिवार में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं की। सच भी है, हम लोगों की सोच एकदम से नहीं बदल सकते हैं, पर ये कोशिश कर सकते हैं कि हम उनकी सोच के प्रभाव में आकर अपनी सोच ना बदल ले। साधना जी ने संयंत होकर अपना पक्ष रखा। अगर वो जवाब ना देती तो उनकी जिजी के कारण उनके घर की शांति भंग हो जाती।